सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमएलसी चुनाव हेतु ब्रिजेश सिंह व अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय सहित दो ने किया नामांकन। मुस्लिम महिलाओं ने खेली गुलालों की होली, दिया सौहार्द का संदेश। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम। और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता ने सावधानी पूर्वक होली खेलने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मौजूदा एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह कलेक्ट्रेट परिसर अपने 10 प्रस्तावकों संग नामांकन करने पहुंची। बुधवार को सुबह कचहरी खुलते ही मौजूदा एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने समर्थकों संग एडीएम प्रशासन कक्ष में पहुंचकर नामांकन किया। उनके साथ उनके 10 प्रस्तावक भी थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। अन्नपूर्णा सिंह के साथ उनके 10 प्रस्तावक नामांकन कक्ष में पहुंचे और नामांकन किया। दो सेटों में नामांकन करने बाहर निकली अन्नपूर्णा सिंह ने कहा कि जनता और ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। अन्नपूर्णा सिंह ने कहा कि हमने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन रणविजय सिंह के अनुसार संशोधन कार्यक्रम के क्रम में आज बुधवार को दो अभ्यर्थी द्वारा नामांकन फॉर्म लिया गया तथा दो अभ्यर्थी द्वारा दो प्रतियों में क्रमशः ब्रिजेश सिंह पुत्र रविंद्रनाथ सिंह निर्दलीय व अन्नपूर्णा सिंह पत्नी ब्रिजेश सिंह निर्दलीय ने अपना अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि मंगलवार को लोकदल के जयराम ने अपना नामांकन पत्र जमा किया था। नामांकन किए हूँ, जनता का आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। कुल कितने सीटों में आपने पर्चा भरा है? दो सीट। दो सीट। क्या रहेगी आपकी लड़ाई? अच्छा, जनता की मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे रहेंगे, मुद्दे विकास करके मुद्दे रहेंगे। ये है विकास आगे भी। लोगों से अपील क्या रहेगी मैडम? द कश्मीर फाइल मूवी को प्रमोट न करने को लेकर लौराबीर चौराहे पर कपिल शर्मा का पुतला हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों द्वारा फूंका गया। लौराबीर चौराहे पर कपिल शर्मा का पुतला फूंका गया, जिसमें द कश्मीर फाइल मूवी को प्रमोट करने से मना किया गया था। द कश्मीर फाइल हिंदुओं की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसके समर्थन में हिंदू युवा वाहिनी जिला महानगर तहसील इकाई द्वारा कपिल शर्मा का पुतला फूंका गया, जिसमें जिला के संयोजक सुनील सिंह, जिला के उपाध्यक्ष अभिषेक गौतम, महानगर के अध्यक्ष अजय सिंह, तहसील संयोजक गुरु प्रसाद, तहसील अध्यक्ष सत्य प्रकाश चौबे, राजकुमार जायसवाल, दिनेश अग्नहरी, आयुष राज, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। द कश्मीर फाइल्स पिक्चर, उसको हम पिक्चर नहीं कहेंगे, हम उसे सच्ची घटना कहेंगे। जो सच्ची घटना पे मूवी बनाई गई है, उसको कपिल शर्मा जैसे शो, जो एक बॉलीवुड के माफिया कहे जाने सलमान खान जैसे थिएटर में चलने वाले लोगों ने उसका विरोध कराया था, उनके पिक्चर को प्रमोट नहीं किया था। आज पूरे देश की जनता द कश्मीर फाइल्स को देख रही है और उस अस्तित्व को जान रही है जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था। सुभाष भवन लम्ही में मुस्लिम महिलाओं ने मोहब्बत के गुलाल से एक दूसरे को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का संदेश दिया। पूरी दुनिया में रंगों की होली होती है, लेकिन काशी में दिल मिलाने की होली खेली जाती है और नफरत की होलिका जलाई जाती है। तभी तो भूत भक्त भावना महादेव शमशान में चिता की भस्म से होली खेलते हैं। काशी की मुस्लिम महिलाओं ने मोहब्बत के गुलाल से एक दूसरे को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का संदेश दिया। वामपंथियों, कट्टरपंथियों एवं नफरतवादियों द्वारा फैलाए जा रहे नफरत को कड़ी चुनौती काशी की मुस्लिम महिलाओं ने सुभाष भवन लम्ही में मोहब्बत का गुलाल उड़ाकर दिया। चुनाव के पहले सबको देख लेने की धमकी देने वाले गुंडे शरीफों का हिसाब किताब करने चले थे। जब हार गए तो हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत का जहर फैलाने में शिद्दत से लगे हैं। सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने वाले वामपंथी होली आते ही सेव द वाटर का नारा लगाते हैं और शिवरात्रि पर दूध न चढ़ाने की नसीहत देते हैं। इनका मकसद न पानी बचाना है और न दूध, बस सनातन संस्कृति की परंपराओं को अप्रासंगिक बताकर भारत को नीचा दिखाना है। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने चेहरे पर गुलाल लगाया, हंसी ठिठोली की फिजाओं में गुलाब की पंखुड़ियों ने मोहब्बत की महक बिखेरी और दुनिया को यकजहती का संदेश भेजा।
ढोल की थाप पर जब होली गीत शुरू हुआ तो मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेता इंद्रेश कुमार की तस्वीर पर गुलाल लगाकर होली खेली। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की तस्वीर पर गुलाल लगाकर होली कार्यक्रम की शुरुआत की और सुभाष मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर गुलाल लगाया। इस अवसर पर अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मिथिला जायसवाल, सोनी बेगम, नगीना बेगम, नाजमा, मुन्नी रानी, मैमुनिसा, शहजादी, मार्जीना, सोनी रानी, अजमती, हतीज सुन्ना, रईसा, तबस्सुम, शहीदुल, रशोदा, पूनम श्रीवास्तव, संगीता आदि लोगों ने भाग लिया। हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर के अबीर की होली खेल रहे हैं, गुलाल की होली खेल रहे हैं, फूलों की होली खेल रही हैं और ये उन कट्टरपंथियों को संदेश देने का काम कर रही हैं जो नफरत के नाम पर, कट्टरता के नाम पर लोगों के खून की होली खेलते हैं, देश का, समाज का माहौल खराब करते हैं, आपसी संबंधों को खराब कर रहे हैं। आज ये महिलाएं होली खेल करके ये बता रही हैं कि हम भारत देश में कितने सुरक्षित हैं, अपनी मर्जी से आज़ादी से जीवन जीने का अधिकार है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं और किस तरह का त्यौहार मनाना चाहते हैं, इन सब चीज़ का अधिकार, सुरक्षा हमें भारत देश में प्रदान है, इस बात की खुशी वो जाहिर कर रही हैं और उन कट्टरपंथियों को संदेश दे रही हैं कि आपको अगर होली खेलने का शौक है तो फूलों की होली खेलिए, गुलाल की होली खेलिए, नफरत की होली खेलना बंद करिए, प्रेम, भाईचारा, एकता और मोहब्बत का संदेश देने का काम करिए, उसकी होली खेलिए और देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। इस बार होली पर्व में मार्केट दुकानें पूरी तरह से होली की खरीदारी के लिए सज चुकी हैं। दो साल से कोरोना के प्रकोप से मार्केट की स्थिति काफी खराब थी, जबकि हर साल की अपेक्षा दुकानदारों के चेहरे पर इस साल खुशी का माहौल है। होली पर्व को देखते हुए बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। कपड़े, जूते, रंग पिचकारी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखते ही बनी। नगर में जगह जगह रंग व पिचकारी की अस्थायी दुकानें सज गई हैं, जहां एक से बढ़कर एक टोपियां व पिचकारी लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बनारस की सबसे बड़ी मंडी हड़हा सराय व राजा दरवाजा में भारी भीड़ खरीदारों की उमड़ रही है। इस बार हर्बल रंगों की काफ़ी धूम है, क्योंकि यह नुकसान नहीं करता पिचकारी बुलडोजर बाबा के नाम से आई है जो काफ़ी धूम मचा रही है। टोपियों का रेला लगा है, मोदी टोपी, योगी टोपी धूम मचा रही है। विपक्षी पार्टियों के फोटो के साथ भी टोपी आई है। हर पार्टियों के लगभग टोपी मार्केट में अपना दमखम दिखाने लगी है। दुकानदार कमलेश ने बताया कि इस वर्ष काफ़ी अच्छा बाजार है, सब दुकानदार काफ़ी खुश हैं, बड़ी अच्छी बिक्री चल रही है, खूब बिक्री हो रही है, हम व्यापारी इस होली पर काफ़ी खुश हैं। तमाम तरह के जो कलर आए हुए हैं इसमें हर्बल कलर है, ये कलर आप देख रहे हैं कोई नुकसान इससे होगा नहीं होगा। इसमें गुलाल भी आए हैं, अबीर भी आए हैं, 5-6 कलर के अबीर आए हुए हैं, और मोदी कलर के आए हैं, जुगिया कलर बोलते हैं, गुलाबी है, पीला है, हरा है। इस बार होली में बहुत अच्छे अच्छे कलर आए हैं। टोपी और पिचकारी की क्या स्थिति है मार्केट? तमाम तरह की जो है पिचकारियाँ आई है, तमाम तरह की टोपियाँ आई हैं, मुखौटा आया है, चेहरा आया, बच्चों को खेलने मतलब कि लंग मतलब पहन के पहन खेले तो आँख में पड़े नहीं, और एक अबीर ही आया हुआ है, इसमें जलाने पर अबीर निकलता है, पटाखा बजेगा नहीं, ये इंजॉय पूरा मतलब अभी निकले इसमें। हाँ, कई मेल के पिछाड़ी से आए, जैसे बुलडोजर बन के आया हुआ है, बहुत इसमें डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत डिमांड। वहीं मैदागिन चौराहे पर भी ठेले पर पिचकारी व रंग बिक रहा है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि सामान महंगा हो गया है, हम जो पिचकारी बेच रहे हैं वह 100 रुपये से लेकर 1000 तक की पिचकारी है। पिछले बार से इस बार खरीदारों की भीड़ के चलते बिक्री अच्छी है। पिचकारी इस बार मार्केट में बहुत ही कम है और हम लोग जहाँ से लाए हैं वहाँ पे बहुत महंगा मिला है, यहाँ पर हम लोग को आमदनी प्रॉफिट कम हो रही है, बेचने में भी बहुत जिल्लत हो रहा है, अब की बार कमाई भी कम हो रहा है भाई, धूप भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धूप है और हम लोग बहुत पस्त हो गए हैं भाई, एकदम अब की बार जिंदगी एकदम सोच लो खराब हो गया है हम लोग का हालत। ग्राहक प्रेशर वाली मांग रही है जो कि हम लोग को 200-300 का पड़ गया है, और टैंकर वाला भी मांग रहे हैं 200-300 का पड़ जा रहा है, मगर उस लोग को 150-200 का चाह रहा है, हम लोग कैसे बेचे, महंगाई की वजह से हम लोग का कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है भाई। पिचकारी तो मान लो हम लोग लाए हैं मार्केट में 200-300-400 तक लाए हैं, मगर उतना हम लोग का प्रॉफिट पड़ नहीं रहा है, हम लोग को बेच ही नहीं रहा है माल, धूप में हम लोग परेशानी हो रहा है। बहुत कम कमाई नहीं हो रहा है भाई, पिछली बार तो मान लो ठीक ठाक था, अब तो ये अब की बार तो एकदम बेकार हो गया है भाई, हम लोग एकदम टूट गया है भाई। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि खाद्य उत्पाद को बढ़ावा देना।
यूपी के हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि खाद्य उत्पाद भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश चंद्राय प्रोफेसर और प्रमुख डेयरी विज्ञान विभाग के साथ उपस्थित थे। खाद्य प्रौद्योगिकी बीएचयू विशिष्ट अतिथि के रूप में और राजेश भाटिया सचिव भारतीय उद्योग संघ थे। अपने उद्बोधन में डॉक्टर दिनेश चंद्र राय प्रोफेसर और प्रमुख डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग बीएचयू ने कहा, विभिन्न पहलुओं पर समुदाय को शिक्षित करने के लिए वाराणसी में आईआईपी द्वारा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। भारतीय उद्योग संघ वाराणसी के सचिव राजेश भाटिया ने उद्योग के उत्थान के लिए समुदाय की सहायता के लिए सरकार की मदद से आईआईपी से वाराणसी में सुविधा केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया। इस अवसर पर आईआईपी ने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए विशेष रूप से विकसित विभिन्न पैकेज डिजाइन भी प्रस्तुत किए, जिनमें हथकरघा कपड़े और हस्तशिल्प बनारसी रेशम साड़ी, पीतल की वस्तुएं, लकड़ी का काम, पत्थर शिल्प और डोकरा धातु शिल्प आदि शामिल था। यह कार्यक्रम वाणिज्य और मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यक्रम में 100 से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों, व्यापारियों, उद्यमियों ने भाग लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ये पैकेजिंग के क्षेत्र में मेरी जानकारी में शायद एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो पूरे देश में बहुत बढ़िया काम कर रही है और विगत 1.5-2 सालों से बनारस में सुबोध जोकर जी हैं इनके डिप्टी डायरेक्टर, इनके नेतृत्व में बनारस में ये कोशिश हो रही है कि जो यहाँ पे उत्पाद हैं बनारस के, जिनको GI का भी दर्जा मिला हुआ है और जिनकी बाहर एक्सपोर्ट में अच्छी डिमांड है, उनकी पैकेजिंग को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, उस दिशा में लगातार प्रयासरत है। तो उसी संदर्भ में आज ये बैठक है। आज हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे कि इसकी पैकेजिंग को कैसे और बेहतर बना सकें, जिससे इनके जो प्रोडक्ट हैं उसका वैल्यू एडिशन हो सके, उससे उनकी अच्छी कीमत मिल सके। उत्पादों को GI प्राप्त हो चुका है जो दुनिया में सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रोडक्ट जब दुनिया के बाजार में जाएंगे, चाहे वो लकड़ी का खिलौना हो, पत्थर का हो, दरदोजी का हो, गुलाबी मीनाकारी या अन्य कोई उत्पाद है, तो वो उत्पाद जब दुनिया में जाते हैं तो आप देखिए अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो ब्रांडिंग नहीं हो पाती। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ I'm living a life with purpose because I'm providing the best education to my child, and that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. International Hindu School, CBSE से मान्यता प्राप्त, कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण, के नौनिहालों का परिचायक अंकुरण। करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास तो आइए अंकुरण के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। गिव मी योर चिल्ड्रन, वी विल वर्क वेरी हार्ड एंड टर्न देम इनटू रिस्पांसिबल, हार्ड वर्किंग एंड ब्राइट सिटीजंस ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाट इंडिया नीड्स। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Hum todenge ye sannata, करेंगे बात आपकी, बात बना रहे पूछेंगे सवाल,
उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, दो गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव, वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दी बनारस बार एसोसिएशन और दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। दी बनारस बार एसोसिएशन एवं दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को दिवाली न्यायालय के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उक्त दौरान मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश अजय कुमार विशेष व मंचा सिंह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान सदस्य हरिशंकर सिंह व श्रीनाथ त्रिपाठी व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह मौजूद रहे। होली मिलन समारोह के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सहायक एवं कवि शबीना अधिक अपने साथियों के साथ तथा दमदार वाराणसी में अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच दीवानी परिसर न्यायालय स्थित प्रांगण में अपनी शायरी व रचना प्रस्तुत कर माहौल को गुलाबी सतरंगी वातावरण में फलीभूत कर दिया। इस अवसर पर सैकड़ों अधिकारीगण होली मिलन समारोह में शामिल होकर एक दूसरे के मुख पर गुलाल लगाकर रंगीन कर दिए। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछाए। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू, क्या बात है, वाह। आपकी राह में दिल बिछाएंगे हम, आइए तो हमारी गली में कभी। रोहनिया राजा तालाब तहसील पर बुधवार को राजा तालाब एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों को अबीर गुलाल लगाकर अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। रोहनिया राजा तालाब तहसील पर बुधवार को दोपहर में तहसीलवार एसोसिएशन राजा तालाब द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि उदय भान सिंह तथा विशिष्ट अतिथि हरिशंकर सिंह सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह व संचालन महामंत्री धीरेंद्र प्रताप सिंह व धन्यवाद ज्ञापन रामजी सिंह पटेल तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किया। होली मिलन समारोह कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को अबीर गुलाल लगाकर तथा अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके दौरान अधिवक्ताओं ने बुरा न मानो होली है कहते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए गले लगकर होली की बधाई दी। कार्यक्रम में आयोजित कवि सम्मेलन में प्रियंका सिंह, सुषमा मिश्रा, डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र, डॉक्टर नागेश शाडिल, नरसिंह साहसी आदि कवियों द्वारा हास्य रचनाएं प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने भांग तथा ठंडई का आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रामजी सिंह पटेल अध्यक्ष, धीरेन्द्र प्रताप सिंह महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह, सर्वजीत भारद्वाज, छेदीलाल यादव, बच्चालाल यादव, दिनेश कुमार शर्मा, भूपेंद्र कुमार सिंह, पूर्व महामंत्री प्रदीप सिंह, नंदकिशोर पटेल, पूर्व उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश दुबे, अखिलेश कुमार मिश्र, प्रेम सागर पाठक, अधिवक्ता रमेश कुमार, शशिभूषण मिश्रा, राकेश राजभर, आनंद पटेल, अमित प्रताप सिंह, जितेंद्र राय सहित तहसील के सभी अधिवक्तागण उपस्थित रहे। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने सावधानी पूर्वक होली खेलने की अपील की है। उन्होंने सिटी वाराणसी लाइव के जरिए जनता से यह खास अपील की है कि लोग होली खेलते समय विशेष तौर पर अपनी आंखों का ध्यान रखें। नगर के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ व उमा नेत्रालय के निदेशक डॉक्टर अरुण गुप्ता ने होली पर सावधानी पूर्वक रंग लगाने की अपील की।
सिटी वाराणसी लाइव की टीम से बातचीत में डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि रंगों का पर्व होली धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों के इस त्यौहार में आंखों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गुप्ता ने काशीवासियों को अपने आंखों की सुरक्षा को लेकर कुछ सुझाव देते हुए बताया कि रंग खेलते समय यदि आंखों में रंग चला जाए तो जिससे आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी गिरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आंखों के अंदर अगर कोई भी कलर जाता है तो आंख में एलर्जी ही होती है। आंखों को आप तत्काल उसे पीने वाले पानी से अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद भी अगर आंख लाल हो रही हो तो आप एंटी एलर्जी आई ड्रॉप का उपयोग करने के बाद भी आँख का लालपन नहीं जा रहा है तो आप अपने नज़दीक के किसी भी नेत्र चिकित्सक से राय ले लें। नमस्कार काशीवासियों, होली को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के इस त्यौहार में आंखों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, डायरेक्टर उमा प्रेम नेत्रालय चितईपुर वाराणसी, आज आपको सेफ होली के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ। आँखों में विशेषतया हम देखते हैं कि कई बार अगर रंग चला जाता है तो उसमें आँख लाल हो जाती है, आँखों से पानी गिरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आँख के अंदर अगर कोई भी कलर जाता है तो आँख में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो हमें एंटी एलर्जिक ड्रॉप की इस्तेमाल करना चाहिए। आँखों को लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, कई बार रंग जाते हैं तो हमारी आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, तो आँखों में फ्रिक्वेंट लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी आँखों में रंग चला गया है तो आप तत्काल पहले उसे पीने वाले साफ पानी से आँखों को अच्छी तरह से धुल लें। उसके बाद अगर आँख लाल हो रही है तो एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग करें। अगर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग करने के बाद भी आँख का लालपन नहीं जा रहा है तो एक एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का उपयोग किया जा सकता है। और अगर आँख रंग जाने के बाद लालपन के साथ साथ दर्द हो रहा है तो हो सकता है इसमें कोई भी कीटाणु का संक्रमण हो सकता है, तो उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप के भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको कुछ न समझ में आ रहा हो तो अपने नज़दीकी किसी नेत्र विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आँख जीवन के लिए अनमोल है, आँख है तो जहान है। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के स्वर्गीय बॉडी बिल्डर मिस्टर अनिरुद्ध चटर्जी की स्मृति में 24 मार्च को शेरे बनारस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन मिस्टर साउथ एशिया बॉडी बिल्डर स्वर्गीय अनिरुद्ध चटर्जी के स्मृति में 24 मार्च को 13वीं मिस्टर शेरे बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के संदर्भ में एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैजल महतो ने बताया कि 6 भार वर्ग वाले इस चैंपियनशिप का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय सभागार में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मिस्टर नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप भी किया जाएगा। इसमें हर ग्रुप में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाले को क्रमशः 3100, 2100 व 1100 रुपये नगद राशि के साथ फ्री सप्लीमेंट, सर्टिफिकेट, टी शर्ट व ट्रॉफी दी जाएगी। आगामी 24 मार्च को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कला संकाय के ऑडिटोरियम में शेर बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराने जा रहा हूँ, जो स्वर्गीय अनिल चटर्जी की याद में है ये गेम। और ये प्रोग्राम 24 तारीख को सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा और उम्मीद है कि 2 बजे तक इस प्रोग्राम को हम लोग फिनिश कर देंगे। और 3 बजे से मिस्टर नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होगी, जो बॉडी बिल्डिंग 7 ग्रुप में होगा, 0-55, 60-65, 70-75, 80-85+। और 2 ग्रुप मेन फिजिक का होगा, जो हाइट से होगा 5.6 के नीचे, 5.6 के ऊपर 2 ग्रुप होगा। और बॉडी बिल्डिंग क्लासिक होगा, जो 0-65 कैटेगरी एक ग्रुप रहेगा और 65+ में 2 कैटेगरी। टोटल 11 कैटेगरी नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप में होगी और नॉर्थ इंडिया में टोटल कैश मनी 1,00,000 रुपया कैश मनी रखा गया है, जो फर्स्ट हर ग्रुप में फर्स्ट को 3100 रुपया, सेकंड को 2100 रुपया और थर्ड को 1100 रुपया दिया जाएगा। और जिसमें ओवरऑल चैंपियनों को नॉर्थ इंडिया में उसको 21,000 रुपया कैश मनी होगी और मुसलमान को 10,000 रुपया। और बेस्ट ऑफ थ्री सबको सप्लीमेंट्स होगा, 4/5 को गिफ्ट से सम्मानित किया जाएगा। और नॉर्थ इंडिया में सभी प्लेयर को मेडल और टी शर्ट सम्मानित किया जाएगा। और ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ इंडिया दोनों 24 तारीख को होगा। और डिस्ट्रिक्ट का जो भी बॉडी वेट होगा वो 23 तारीख को दाजिम शिवाला पे शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक
संपन्न किया जाएगा। और जो प्लेयर बाहर से आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका बॉडी वेट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, इसका लिंक शेयर कर दिया गया है। जो प्लेयर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। सच के साथ।